हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेसन प्लान लेके आई हूँ, जो कि बीएड में आपको सेकंड ईयर में लेसन प्लान बनाना पड़ता है। तो यहाँ मैं एक बायो का लेसन प्लान डिस्कस करूँगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लेसन प्लान को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पाठ योजना लिख लेना है, उसके बाद आपको कक्षा लिखना है कि आप कौन से क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, फिर क्या आपका विषय है, फिर वो कौन सा विद्यालय है। उसके बाद आपको दूसरे साइड में दिनांक लिख देना है, अवधि लिख देना है, और कालांश मतलब पीरियड होता है कि आप फर्स्ट पीरियड में जा रहे हैं, सेकेंड पीरियड में जा रहे हैं, और अवधि आप 35 मिनट या फिर 45 या 40 मिनट इस टाइप से आपको जो आप जितना देर के लिए जा रहे हो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ प्रकरण लिखे, यहाँ पर है हार्मोन्स तथा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इसके बाद हमको सामान्य उद्देश्य लिखना होता है, जो कि आप लोग तो जान ही गए होंगे सामान्य उद्देश्य। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखना रहता है, जो कि आप इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखना है, उसके बाद यहाँ पे विधि और प्रविधि दिया हुआ है, और सहायक सामग्री का कॉलम है कि इसमें आपको शिक्षण बिंदु टीचिंग पॉइंट्स आपका क्या क्या रहेगा, मतलब आज आप क्लास में जो पढ़ाने जा रहे हैं तो आप कौन से दो तीन टॉपिक को मिला के ही आप क्लास लीजिएगा, तो आपको वो सब लिखना होगा कि आप कौन कौन सा दो तीन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लिखना होगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचि, अभिवृत्ति, प्रयोग, उद्देश्य, ये सब आपको 5-6 होता है, आपको कम से कम 4 या 5 आप इसमें से ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। जैसे कि ज्ञानात्मक में है, ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य में है कि इसको हम लोग नॉलेज ऑब्जेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में, छात्र हार्मोन्स तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों को समझ सकेंगे, मतलब जो बच्चे हैं वो हार्मोन्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं और भी 6-5 यहाँ पे और उद्देश्य है। उसके बाद बगल में आप देखिए कि कौन सी आप इसे, ये जो भी उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, आप ये सब कैसे फुलफिल करेंगे, कौन सा विधि का यूज़ करेंगे, कौन प्रविधि यूज़ करेंगे, और आप क्या सहायक सामग्री लेके जा रहे हैं अपने कक्षा में। जैसे कि यहाँ विधि क्या है, यहाँ व्याख्यान विधि का यूज़ किया जाएगा, और ये यहाँ पे प्रविधि जो रहेगा वो है प्रश्नोत्तर प्रविधि और प्रदर्शन प्रविधि, और सहायक सामग्री में क्या यहाँ पे दिया हुआ है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट और कक्षोपयोगी समस्त सामग्री। जैसे आप यहाँ पे सहायक सामग्री में और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे चार्ट हुआ, चार्ट लिख सकते हैं, मॉडल, डस्टर, चौक, ये सब लपेट, श्यामपट, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ पे देखेंगे पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, यहाँ पे लिखा है कि छात्र हार्मोन्स की सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे है कि उसके बाद हम लोग पूर्व ज्ञान के बाद हम लोग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रस्तावना का प्रश्न पूछेंगे। आपको क्लास में जाके ऐसा नहीं है कि टॉपिक स्टार्ट कर देना है, सबसे पहले आपको बच्चों से कुछ सवाल पूछ के उस टॉपिक का जो प्रकरण है वो निकलवाना है। यहाँ पे आप 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप से आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको आपका उद्देश्य कथन कि हाँ आज हम हार्मोन्स व अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है, इसमें इस तरह से कॉलम बनेंगे, सबसे पहले आपका शिक्षण बिंदु आएगा, टीचिंग पॉइंट, उसके बाद आपका आएगा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, पुपिल टीचर एक्टिविटी, उसके बाद छात्र क्रिया, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, उसके बाद कौन सा आप विधि यूज़ कर रहे हैं, प्रविधि, सहायक सामग्री, मटेरियल, टेक्निक, एड वगैरह कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद श्यामपट सारांश, ब्लैक बोर्ड वर्क आप जो करेंगे वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ दिया लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारा शिक्षण बिंदु है कि हार्मोन्स तथा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हम इस चीज़ को पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया है यहाँ पे कि जो पुपिल टीचर है वो क्या करेंगे, इसमें वो 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे जो भी है यहाँ पे। फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी कि बच्चे आपके आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको ध्यान से मतलब सुन के उसका जवाब देंगे जो भी होगा उसका आंसर, और बच्चा ध्यानपूर्वक जो आप बोलेंगे वो सब सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद उसके बगल में प्रविधि, कौन सा प्रदर्शन, व्याख्यान, जो भी आपका विधि हो, प्रविधि होगा, आपको उसको लिख देना है। उसके बाद अगर आपका जो भी रिलेटेड उससे कोई डायग्राम है, चार्ट है, तो वो सब आप यहाँ पे श्यामपट सारांश में इसको बना दीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आप जितना चाह रहे हैं आप उतना यहाँ पे देखिए, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है वो टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ नेक्स्ट देखते जाइए, जितना आप लंबा टॉपिक रखना चाहते हैं, जो जो पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, आप जो क्लास में बताएंगे वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इस तरह से ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो जो छोटा मोटा डायग्राम वगैरह आप बना दीजिए।
अंत में यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं कि हमारा पाठ योजना ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे जब अंत हम करेंगे तो यहाँ पे कुछ इवैल्यूएशन क्वेश्चंस करना है आपको कि बच्चा आपने जो टॉपिक पढ़ाया, दो तीन टॉपिक आपने डील किया तो उसमें से वो क्या क्या सीखा, तो उसमें आपको कुछ कुछ उससे क्वेश्चन पूछ के आपको देखना है कि बच्चा को जो भी हम पढ़ाए वो चीज़ समझ में आया या नहीं। तो आप यहाँ 2 से 3 क्वेश्चंस ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अंत में आपको होमवर्क दे देना है, जैसे यहाँ है हार्मोन्स क्या होते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का वर्णन करो, कुछ भी आप होमवर्क में 2-3 क्वेश्चंस वगैरह दे सकते हैं। इस तरह से आपको अपना जो पाठ योजना है उसको ख़त्म करना है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी और भी आपको चाहिए होगा अगर लेसन प्लान तो आप कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू।